राज महोदय, इस संबंधित संवेदनशील बीमारी के ऊपर पूज्य योगी जी द्वारा शुरू की गई चर्चा से अपने आप को संबद्ध करते हुए, बीमारी तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन जैसा कि चर्चा के दौरान सुनने को मिला, विगत 16 वर्षों से इस सदन में लगातार ये चर्चा उठ रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इन बीमारियों पर हम लगातार चर्चा सुनते आ रहे हैं, लेकिन चर्चा को हम अगली चर्चा के लिए छोड़ करके हम अब तीसरी कर लेते हैं। उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए अब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बड़े अफसोस की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जहां से हम चुन करके आते हैं लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती, नेपाल सीमा से लगा हुआ पूरा इलाका है, चाहे जनपद श्रावस्ती हो चाहे जनपद बलरामपुर हो, नेपाल अंचल का पूरा तराई अंचल इस बीमारी से ग्रसित रहता है और दोनों जनपदों में इन बीमारियों के यूनिट को तो छोड़ दीजिए, जो है साधारण बीमारियों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। संयुक्त चिकित्सालय दोनों जनपदों में बन करके सफेद हाथी की तरह खड़े हैं, वहां पर न डॉक्टर है न पैरामेडिकल है। श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा जो हमारा कमिश्नरी भी है, वहां के लोग भी बहराइच के जिला चिकित्सालय पर निर्भर रहते हैं। बहराइच के जिला चिकित्सालय की स्थिति यह है कि वहां के चिल्ड्रेन वार्ड में आप जाकर के देखिए कि वहां बच्चे जो है भेड़ बकरियों की तरह जो है इसे फर्श पर लेटे रहते हैं, वहां उन तक पहुंचने के लिए जो है किसी तरह से बच बचा करके जाना पड़ता है कि किसी बच्चे के ऊपर पैर ना पड़ जाए, ये स्थिति है। और वहां पर भी जो कोई उसका सटीक इलाज नहीं है, लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर में जो संयुक्त चिकित्सालय बनकर के तैयार हैं, जहां पर सिर्फ मात्र ओपीडी चल रही है, वहां पर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, तो मानक के अनुरूप डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए और हमारे क्षेत्र में जागरूकता की कमी, इतनी अभाव है, अशिक्षा है, जिसकी वजह से लोग इस बीमारी के बारे में जान नहीं पाते हैं। तरह तरह के नामों से इस बीमारी को जाना जाता है, कहीं पर मस्तिष्क ज्वर, काला जार, डेंगू आदि भिन्न भिन्न भिन नामों से इस बीमारी के बारे में लोग चर्चा करते हैं, और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, झोला छाप डॉक्टरों वगैरह से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब अस्पतालों में पहुंच करके दम तोड़ देते हैं। मैं इसके प्रभावी नियंत्रण की मांग करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।